Welcome to another video at English World, and I am your teacher Ria. आज से कुछ दिन पहले मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया और मैंने उससे पूछा कि तुम क्या कर रही हो, और उसने कहा पिछले 3 घंटे से कुकिंग कर रही हूँ. एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, 3 घंटे से कुकिंग, मैंने कहा ऐसे क्या कर रही हो. तो उसने कहा कुकिंग में क्या एक काम होता है, तलना, पकाना, उबालना, भुनना. और बोलते बोलते उसने मुझे 20 चीजों की लिस्ट सुना दी. यस, एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड कि कुकिंग में कुछ 20 एक्शंस ऐसे होते हैं जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किचन में करते हैं. और मैं आज वो लिस्ट लेके आई हूं आपके साथ, और आप सीखेंगे इंग्लिश में. तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक सारी वीडियोस मेरी पहुंच जाए. और वीडियो के एंड में होगा आपके लिए असाइनमेंट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला वर्ड है कुक. कुक का मतलब होता है पकाना. खाने में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको पकाया जाता है. चपातीस पकाई जाती हैं, राइस पकाए जाते हैं, सब्जी को पकाया जाता है. सो शी इज कुकिंग द फूड. सेंटेंस इस तरह से बनाया जा सकता है. अगर हम कोई चीज को, कोई सब्जी को या कोई चपाती को ज्यादा ही पका दें, जिसमें ऐसे लगे कि हल्का हल्का सा जला हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं दिस इज ओवर कुक्ड. ओवर कुक्ड मतलब ज्यादा पका हुआ. अरे ये सब्जी तो कच्ची रह गई है, तो हम कह सकते हैं सेमी कुक्ड. और अगर सब्जी हमने पूरी ही जला दी है या चपाती हमने पूरी ही जला दी है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे बर्न्ट. तो आपने देखा 4 वर्ड्स को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, कुक, ओवर कुक, सेमी कुक एंड बर्न्ट. द नेक्स्ट वर्ड इज बेक. बेक का मतलब होता है तंदूर में पकाना. बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो तंदूर में पकाई जाती है, जैसे ब्रेड, बिस्किट्स, कुकीज. ये सारी चीजें तंदूर में पकाई जाती हैं, और तंदूर में पकाने को कहते हैं बेक. द बिस्किट्स आर बेक्ड. खाने पीने की कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पर आप कुक यूज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, चाय बनाने के लिए कभी आपने सुना है लेट्स कुक द टी? नो. तो चाय बनाने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जा सकता है? चाय बनाने के लिए हमेशा वर्ड यूज होता है प्रिपेयर. शी इज प्रिपेयरिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी. She is preparing. तो prepare word use करिए खास करके चाय के लिए. इसी तरह कुछ और ऐसी चीजें हैं जैसे नींबू पानी है, या शरबत बनाना है, या शेक्स बनाने हैं, तो इसके लिए भी आप prepare word use कर सकते हैं. She is preparing lemonade. वो नींबू पानी बना रही है. हमारा next word है boil. Boil का मतलब होता है उबालना. बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको boil किया जाता है, जैसे पानी को, eggs को, पोटेटोज को. तो सेंटेंस इस तरह से बनाया जा सकता है शी इज बॉइलिंग द मिल्क. शी इज बॉइलिंग मिल्क. हमारा नेक्स्ट वर्ड है रोस्ट. रोस्ट का मतलब है भुनना. अक्सर जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहां मेन्यू में आप देखते हैं रोस्टेड चिकन, रोस्टेड चीज, देख के ही मुंह में पानी आ जाता है. सो रोस्टेड चीज का मतलब भुना हुआ चिकन, रोस्टेड चिकन का मतलब भुना हुआ चिकन. So, roast का मतलब होता है भुना हुआ. I want roasted cheese. Next word है simmer. Simmer का मतलब होता है हल्की आंच पे पकाना. आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि बहुत सारी सब्जियां जो है हल्की आंच पे पकाई जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब आप लेडी फिंगर बना रहे हैं, भिंडिया बना रहे हैं, तो वो आप हल्की आंच पे पकाते हैं. सो सिमर का मतलब है हल्की आंच पे पकाना. हमारा नेक्स्ट वर्ड है सॉटे. ये एक ऐसा वर्ड है जिसके बिना कोई भी सब्जी नहीं बनती. यस, खास करके जब सब्जी ग्रेवी वाली हो. तो सॉटे का मतलब है तड़का लगाना. प्याज और टमाटर का तड़का लगाने को बोलते हैं सॉटे. तड़का आप अदरक लहसुन से भी लगा सकते हैं, किसी भी चीज से लगा सकते हैं. तो सेंटेंस इस तरह से बनाया जा सकता है लेट्स सॉटे इट. हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्राई. फ्राई का मतलब है तलना. बहुत सारी चीजों को हम कुकिंग में तलते हैं. खास करके बारिश के मौसम में पकौड़े तल के खाने का बहुत मजा आता है. सो फ्राई मीन्स तलना. सेंटेंस इस तरह से बनाया जा सकता है डोंट फ्राई इट, लेट्स फ्राई इट. इससे एक और मिलता जुलता वर्ड है. फ्राई का मतलब है तलना, और डीप फ्राई का मतलब है बहुत ज्यादा तलना. तो डीप फ्राई भी एक वर्ड जो है आप यूज कर सकते हैं. हमारा नेक्स्ट वर्ड है हीट. हीट का मतलब है गर्म करना.
अगर आप किसी को कहते हैं कि चलो इसे गर्म करते हैं तो आप कहेंगे लेट्स हीट इट। मान लीजिए आप नाश्ता कर रहे हैं और आपका नाश्ता ठंडा हो गया है और आप अपनी मॉम को कहते हैं मॉम इस नाश्ते को दोबारा गर्म कर दीजिए, तो आप कहेंगे मॉम कैन यू रीहीट इट। सो वन वर्ड इज हीट एंड अनदर इज रीहीट, दोबारा गर्म करना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्रॉयल। ब्रॉयल का मतलब होता है बहुत ज्यादा गर्म करना, या इसको आप कह सकते हैं सेकना। नेक्स्ट वर्ड है बारबेक्यू। बारबेक्यू का मतलब है जब हम कोई चीज कोयले पे पकाते हैं। सो बारबेक्यू का आपने रेस्टोरेंट्स भी सुने होंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्रिल। आपने ग्रिल सैंडविच अक्सर सुने होंगे, रेस्टोरेंट के मेन्यू में लिखा होता है ग्रिल सैंडविच और बहुत ही टेस्टी होते हैं। अब ग्रिल का मतलब होता है किसी चीज को, खास करके ब्रेड को या सैंडविच को ग्रिल करना। ग्रिल करने का मतलब यह है कि एक ग्रिलर टाइप का एक स्टैंड होता है जो कि आपने अक्सर माइक्रोवेव्स में देखा होगा, उस ग्रिलर के नीचे से हीट आती है तो वो ब्रेड जो है वो ग्रिल्ड हो जाती है। सो ये वर्ड है ग्रिल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्री कुक। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं खाने पीने में जिसमें हम ये कहते हैं कि इनको पहले थोड़ा सा पका लो, मतलब पूरा पकाने की जरूरत नहीं है, तो उसे हम कहेंगे प्री कुक, मतलब वो कंप्लीटली कुक नहीं है, वो पार्शली कुक्ड है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टीम। स्टीम का मतलब होता है भाप देना। बहुत सारी चीजों को, खाने पीने की चीजों को हम भाप देते हैं, जैसे आपने सुना होगा स्टीम्ड राइस, तो स्टीम का मतलब होता है भाप देकर कोई चीज बनाना। सो आप ये भी कह सकते हैं स्टीम द राइस और स्टीम द एग्स। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टोस्ट। आपने एक इक्विपमेंट का नाम सुना होगा जो रसोई में अक्सर पाई जाती है जिसे कहते हैं टोस्टर। यस, ब्रेड को अक्सर टोस्ट किया जाता है। टोस्ट का मतलब होता है जब हम ब्रेड का जो सरफेस है उसको हल्का हल्का ब्राउन करते हैं, उसको बोलते हैं टोस्ट करना, इसीलिए कहा जाता है टोस्ट द ब्रेड। टाइम फॉर द असाइनमेंट। इस असाइनमेंट में आप देख रहे हैं 5 पिक्चर्स। ये 5 पिक्चर्स अलग अलग तरह की वोकैबुलरी है जो आपने इस वीडियो में आज लर्न करी है। आपको YouTube वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें ये 5 वर्ड मीनिंग जो है वो टाइप करके भेजने हैं ताकि आप इस वीडियो की प्रैक्टिस कर सकें। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।